The London Top Show is sponsored by Khata Book in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति खाता बुक से दोस्ती खाता बुक बिजनेस हुआ इजी। सबसे पहले आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,32,000 नए मामले सामने आए, 2,31,456 मरीज ठीक हुए और 3,207 लोगों की मौत हो गई। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। कॉइन स्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल, ट्रेड कर बेफिकर। दूसरी सुर्खी का संबंध कोविड-19 को लेकर अदालत में चल रही सुनवाई से है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को आदेश दिया कि वो दस्तावेज और फाइलें पेश की जाएं जिनसे मालूम चले कि सरकार की वैक्सीनेशन नीति के पीछे विचार क्या है। अदालत ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए आप जो सशुल्क टीके की नीति लाए हैं, पैसे देकर टीका लगवा लो, वो मनमानी और तर्कहीन है। इस पैसे देकर टीके, जिसके लिए हिंदी का शब्द सशुल्क, टीके को लेकर सवाल पहली बार नहीं उठाया गया। सरकार के समर्थक कहते हैं कि जो लोग टीके की कीमत अदा कर सकते हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन सभी लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब किसी अत्यावश्यक वस्तु या सेवा को लेकर ऐसी नीति बनाई जाती है तो पैसे वालों को अनुचित लाभ मिल जाता है। जहां बात जान की हो, वहां ऐसी नीति नहीं बनाई जानी चाहिए, क्योंकि पैसे से ये तय नहीं किया जा सकता कि किसका जीवन बचाया जाए और किसका नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ एक तल्ख टिप्पणी ही नहीं की, अदालत ने केंद्र से टीकों की खरीद की पूरी परचेज हिस्ट्री भी मांगी। केंद्र को अब बताना होगा कि कौन सा टीका लिया गया, कब लिया गया, कितना लिया गया और कीमत क्या अदा की गई। अदालत ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से भी 2 हफ्तों के भीतर एक हलफनामा मांगा है, जिसमें इन्हें बताना होगा कि मुफ्त टीकाकरण को लेकर उनकी क्या नीति है। 9 मई को अपने हलफनामे में केंद्र ने अदालत को बताया था कि सभी राज्य अपने यहाँ मुफ्त टीकाकरण करेंगे, तो अब कोर्ट चाहता है कि राज्य बताएं कि ऐसा हो रहा है या नहीं। वैसे राज्य भी अपनी तरफ से केंद्र पर दबाव बना रहे हैं। केरल विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके मांग की कि केंद्र सभी राज्यों को मुफ्त टीका दे। दर्शक जानते हैं, इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के लिए टीकों की अलग अलग कीमतों और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है और केंद्र को सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय से ही डांट नहीं पड़ रही, आज ही के दिन केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से भी डांट खाई। भारत में टीकों के निर्माण की स्थापित क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं हो रहा और इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराज होकर कहा कि अगर किसी के लापरवाह रवैये के चलते भारत अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा तो उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। दर्शक जानते ही हैं, टीकों का मक्का कहलाने वाले भारत में आज भी सिर्फ 2 कंपनियां बड़े पैमाने पर टीके की सप्लाई कर रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, जिनकी स्थापना ही टीके बनाने के लिए हुई थी, वो टीके नहीं बना रही, जबकि एक टीके का तो पेटेंट भी भारत सरकार शेयर करती है। इसी तरह अब तक प्राइवेट सेक्टर की पूरी क्षमता का भी दोहन नहीं हो पाया। तीसरी सुर्खी, मोदी सरकार कोई नियुक्ति करे और चर्चा का केंद्र न बने, ऐसा कम ही होता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण मिश्र को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया। जस्टिस मिश्र सितंबर 2020 में ही सेवानिवृत्त हुए। जैसे ही ये बात बाहर आई, विपक्षियों ने खुदाई करके फरवरी 2020 का वो बयान निकाला जब जस्टिस मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर रहते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक ख्याति प्राप्त विजनरी हैं जो ग्लोबल सोचते हैं और लोकल लेवल पर काम करते हैं। तब भी इस बयान की आलोचना हुई थी। ध्यान इस बात का दिलाया गया कि 27 बरस में पहली बार हो रहा है कि NHRC में पूर्व CGI से इतर किसी जज को अध्यक्ष बनाया गया हो। वैसे यहाँ इस बात का उल्लेख कर दें कि 2019 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में बदलाव किए गए थे, जिसके बाद ये जरूरी नहीं रह गया था कि कोई पूर्व चीफ जस्टिस ही NHRC जाए। तो नियम के हिसाब से नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। जस्टिस मिश्र की नियुक्ति हाई पावर कमेटी की सिफारिश पर हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा में विपक्ष के नेता शामिल थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने जस्टिस मिश्र की नियुक्ति से पहले मांग की थी कि SC/ST समाज से किसी को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर खड़गे ने मीटिंग में मिश्र की नियुक्ति पर अपनी आपत्ति रिकॉर्ड में दर्ज कराई। जस्टिस मिश्र ने आज NHRC में चार्ज भी ले लिया।
अब वो 5 साल या 70 साल की उम्र पूरी होने तक जो भी इसमें पहले हो अपने पद पर बने रह सकते हैं।